अभी कौन सी जगह पे और मैं कमिश्नर ऑफिस ले आई हूँ। मैं मेरी फरियाद लेके आई हूँ कमिश्नर साहब के पास। क्या हुआ? मेरे को न्याय दिलाए। क्या फरियाद? एक पुलिस वाले खटुरा में नौकरी करता था। क्या नाम है उसका? दीपक बाबूराव खोंडे। मैं उसके खिलाफ रिक्वेस्ट लेके आई हूँ कमिश्नर साहब के पास कि मेरे को न्याय दिलाए। क्या किया उसने? मेरे साथ उसने 4 साल तक के रहा, मेरे को शादी के वायदे किए, मेरे से झूठ बोला। मैंने बहुत कुछ दिया है उसको, गाड़ी से लेके पैसा, जो जो जरूरत की चीजें थी सब मैंने उसको दिया है। और क्या चाहते हो? अब क्या चाहते हो? अब मुझे मेरे को न्याय चाहिए। बस मेरी जो इज्जत गई है, जो मेरी गली में मोहल्ले में मेरे बेटे को भी सब लोग टॉर्चर करते हैं, वो मेरी कोई इज्जत दे दे, बस मेरे को कमिश्नर साहब से वही चाहिए। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मेरे पास में ये बहन आई हुई थी, इनके मिलने की कुछ औरतें आई हुई थी, जो ये कहने के लिए कि इनका एज पुलिस वालों ने कुछ शारीरिक शोषण किया हुआ है। बस मैं इसके लिए इसके साथ आई हुई थी, इसको कुछ न्याय मिले। जो इसके थ्रू उसने दारू का धंधा करवाया, इससे चालू करवाया, ये तो बंद कर चुकी थी, पर बाकी इसने चालू करवाया वापस से, और चालू करवाने के बाद में इसने खुद का प्रॉफिट कर लिया, जैसा फ्लैट बुलेट वगैरह इसने काफ़ी सारी चीज़ें उससे ले लिया। और दूसरी बात कि इससे शादी के आश्वासन दिया कि जैसा मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, पर बाकी शादी तो कुछ किया नहीं। पर बाकी इस पर जो उसे 3 साल तक के 4 साल तक के जो पति पत्नी तरीके रहे हैं, तो मैं इस पर बस रेप केस दाखिल हो, मेरी इतनी रजूआत है। और मैं कमिश्नर साहब के ऑफिस में इसलिए वजह से आई हूँ कि जैसा इसका गुना दाखिल कर ले। इसके पहले कभी फरियाद किया? महिला पुलिस स्टेशन में करे थे हम लोग, पहले अर्जी लेके गए महिला पुलिस स्टेशन, तो महिला पुलिस स्टेशन में कुछ हेमा बेन करके थे, उन्होंने अर्जी पढ़े और बोले कि बोले नहीं, बोले ये तो हमारे पुलिस वालों के खिलाफ अर्जी है, तो मैं हम लोग ये ऐसा ले नहीं सकते। तो उन्होंने तुरंत है ना PI साहब को फ़ोन किया, तो शायद उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो, तो उन्होंने डायरेक्ट आरोपी को फ़ोन कर दिया दीपक को। वहाँ उनकी कुछ बातचीत हुई, उसके बाद में उसी दिन रात में सलावतपुरे से पुलिस वाले ये जो पीड़ित है उनको है ना 4-5 दिन से इस तरीके से हैरान कर रहे हैं कि एनी टाइम कोई भी टाइम उनके उसके घर पे जाते हैं पुलिस वाले, इसको धाक धमकी इसके बेटे को उठाने के ऐसा इस तरीके से चल रहा है 4-5 दिन से। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि इसको न्याय मिले।